दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर में मौजूद ये किला आज वीरान है, लेकिन कभी ये खंडहर एक भव्य और आबाद इलाका हुआ करता था। इलाके में दाखिल होते ही सोमेश्वर, हनुमान, कृष्ण केशव, मंगला देवी समेत दर्जनों मंदिर हैं। इन्हें देख आप सोच में पड़ जाएंगे कि भगवान के होते हुए भी यहाँ भूत कैसे हो सकते हैं। किले के अंदर किसी भी इमारत की छत नहीं है, लेकिन ताजुब ये कि सभी मंदिर सही सलामत हैं। कहा जाता है कि जिस जगह पर महल बना उसके पास गुरु बालूनाथ रहते थे। उन्होंने महल निर्माण के दौरान चेतावनी दी थी कि महल की परछाई उनके ध्यान करने वाली जगह पर नहीं पड़े, वरना पूरा नगर तबाह हो जाएगा। लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया। इसी श्राप के कारण पूरा किला रातों रात वीरान हो गया। किंवदंती है कि शिंडा नाम के तांत्रिक के मरने से पहले किले की बर्बादी का श्राप दिया था। मिथकों के अनुसार तांत्रिक शिंडा भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती को पसंद करता था। राजकुमारी को वश में करने के लिए उनके इत्र पर जादू टोना कर दिया, लेकिन रत्नावती को ये बात पता चल गई और उसने तेल को पत्थर पर फेंक दिया। इसी पत्थर से कुचलकर तांत्रिक की मौत हो गई। घटना के बाद भानगढ़ पर अजबगढ़ ने आक्रमण किया। युद्ध के दौरान किले में रह रहा हर एक शख्स मार डाला गया। तांत्रिक ने श्राप दिया था कि यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान दोबारा जन्म नहीं ले पाएगा। माना जाता है कि अकाल मृत्यु के कारण ही आज भी यहाँ आत्माएं भटकती हैं। शाम ढलते ही यहाँ से लोग लौट जाते हैं। पुरातत्व विभाग की ओर से भी सख्त चेतावनी दी गई है कि रात में किले के अंदर किसी का भी प्रवेश वर्जित है। आसपास के इलाके में रहने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ रात भर रहने वाला शख्स कभी लौट के नहीं आया, जो लौटा वो चैन से जी नहीं पाया। टीम न्यूज़ नाउ।